मुंबई में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद अब एक और चिट्ठी सामने आई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की हिरासत में बंद मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे के वकील ने आज मीडिया में एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें सचिन वाजे ने महाराष्ट्र के कई नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कथित चिट्ठी में सचिन वाजे ने लिखा है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उसे नौकरी पर वापस रखने के बदले 2 करोड़ रुपए मांगे थे। सचिन वाजे ने लिखा है कि शरद पवार मेरी रिपोस्टिंग नहीं चाहते थे, लेकिन देशमुख ने कहा कि मैं शरद पवार को मना लूंगा। चिट्ठी में वाजे ने आगे लिखा है कि मैं कहा कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता। इस पर अनिल देशमुख ने कहा, कोई बात नहीं। फिलहाल सचिन वाजे की इस कथित चिट्ठी से देशमुख की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं।